हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांट स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का पार्ट 3। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं, ये रहे डायरेक्ट लिंक्स आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से हमें हर जगह फॉलो कर लीजिए और किसी भी अपडेट को मिस मत कीजिए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसा कि आपको पिछली वीडियो के एंड में मैंने बताया भी था कि हमारा आज का टॉपिक जो होगा वो होगा टोटली फार्मूला बेस्ड। ठीक है, इस चैप्टर को कौन सा फार्मूला कब कहाँ लगता है, उसमें क्या ट्रिक अप्लाई करें, ये सब आपको आज के टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहला फार्मूला ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यह है एवरेज स्पीड का फार्मूला। अब ये फार्मूला अप्लाई कहाँ होगा, सबसे पहले ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो मैंने फार्मूले में लिखा हुआ है, व्हेन पर्सन ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन स्पीड 1 एंड देन बैक टू पॉइंट ए इन स्पीड s2, ठीक है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। यानी आप देख सकते हैं कि ए से बी डिस्टेंस सेम रहा, बी से ए डिस्टेंस सेम रहा। तो जब हमारे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है, बस स्पीड वेरी करती है, तब वहाँ पर एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में s1 और s2 की एडिशन होगी और यही है हमारा फॉर्मूला। ज़रूरी नहीं है कि वो जो स्पीड है, स्पीड 1 और स्पीड जो है पॉइंट ए और बी के बीच में ही हो। हम उसे ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से बी एक डिस्टेंस है और पॉइंट बी से सी सेम डिस्टेंस है, वैसा ही जैसा पॉइंट ए से बी के बीच में था, तब भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए, स्पीड वेरी करनी चाहिए, तभी आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। इसी के बेस पर ये रहा पहला क्वेश्चन, ए बॉय गोज़ टू हिज स्कूल एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक टू हिज होम एट 30 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो वही चीज़ रही, स्कूल से घर, घर से स्कूल सेम डिस्टेंस है, बस स्पीड वेरी कर रही है। पहले केस में जब वो अपने घर से स्कूल जा रहा है तब है 25 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे केस में जब वो अपने स्कूल से वापस घर जा रहा है तब है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूले में बताया, ऊपर आएगा 2 टाइम्स s1 एंड s2, नीचे s1 और s2 में एडिशन होगी। ऊपर हम लिखेंगे 2 इंटू 25 इंटू 30 और नीचे हम लिख लेंगे 25 प्लस 30। तो हमारे पास कुछ ऐसी फ्रैक्शन दिखेगी, 25 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 55। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 27.27 किलोमीटर पर आवर। अब ये रहा सेकंड फार्मूला। ये वाला फार्मूला है अब डिस्टेंस निकालने का, और ये डिस्टेंस कब निकलता है, इसके लिए हमें दो टाइम इवेंट्स दिए होते हैं। एक टाइम इवेंट जो होगा उसमें लेट हो रहा होगा, एक में जल्दी पहुंच रहा होगा, या फिर हो सकता है दोनों में जल्दी पहुंच रहा हो, या फिर हो सकता है दोनों में लेट पहुंच रहा हो। पर हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया होता कि वो किस टाइम पे पहुंचे, हमें बस टाइम ड्यूरेशन दी होती है कि किस टाइम पे पहुंच रहा है। अगेन कंडीशन वही होनी चाहिए कि पर्सन जो है दो सिमिलर पॉइंट्स के बीच ट्रैवल करेगा, या फिर दो डिफरेंट पोजीशंस या डिस्टेंस के बीच ट्रैवल कर सकता है, पर वो जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। जैसे ए से बी ट्रैवल कर सकते हैं, बी से सी ट्रैवल कर सकता है, पर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी होना चाहिए। यानी कि कंडीशन यही है कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए, स्पीड वेरी कर सकती है, टाइम वेरी कर सकता है, पर तो ये रहा उसके लिए फॉर्मूला। डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा, तो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस ए बी हो या बी सी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि एक बंदा जो है वो पॉइंट ए से बी जा रहा है स्पीड s1 में, और लेट हो रहा है टाइम t1 से। ठीक है, पहले जब s1 स्पीड से जा रहा है तो वो लेट हो रहा है t1 से। अगेन वो ए से बी जा रहा है, इस बार उसने स्पीड s2 की हुई है, और वो इस बार भी लेट हो रहा है, और इस बार लेट हो रहा है टाइम t2 से। ठीक है, S1 से जा रहा है तब भी लेट हो रहा है T1 टाइम से, S2 से जा रहा है तब भी लेट हो रहा है T2 टाइम से। जब हमें दोनों टाइम T1 और T2 लेट होने के दिए हों या जल्दी पहुंचने के दिए हों, तो याद रखना हमेशा T1 माइनस T2 होगा। T1 प्लस T2 सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब एक टाइम उसका लेट होने का हो और दूसरा टाइम उसके जल्दी पहुंचने का हो। अदरवाइज जब सेम टाइम हो या सेम इवेंट हो, यानी कि दोनों में लेट हो रहा हो या फिर दोनों में जल्दी पहुंच रहा हो, तो उसमें T1 माइनस T2 ही होगा। अब देखिए फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या होगा ए बी के बीच में,
ये चीज़ तो सेम रहेगी हर चीज़ में, लेट हो अर्ली हो या दोनों टाइम लेट हो या दोनों टाइम अर्ली हो, ये जो ये पार्ट है हमारा जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है स्पीड का, ये हर किसी में सेम रहेगा। यानी एस वन इंटू एस टू आएगा न्यूमिनेटर में, एस वन माइनस एस टू आएगा डिनोमिनेटर में। ये टाइम के हर इवेंट के लिए सेम रहेगा, बस चेंज किस में होगा, चेंज होगा इस पार्ट में। जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों टाइम इवेंट हैं, वो हैं लेट के तो माइनस आएगा, दोनों टाइम इवेंट अर्ली के होते तब भी माइनस आता। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि एस वन से जा रहा है और टी वन से लेट हो रहा है, एस टू से जा रहा है और टी टू से लेट हो रहा है, दोनों टाइम लेट हो रहा है तो टी वन माइनस टी टू आएगा। इसी फॉर्मूले के बेस पे ये रहा एक क्वेश्चन जो इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देगा। एक लड़का जो है वो अपने स्कूल जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 10 मिनट से वो लेट हो रहा है, ठीक है। अगले दिन वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, उसके बावजूद भी वो 5 मिनट से लेट हो रहा है। तो पहले 10 मिनट लेट हो रहा था, अब 5 मिनट लेट हो रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन इज स्कूल। अब स्कूल तो जो उसका घर से स्कूल जाने का डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहा, क्योंकि पहले दिन भी वो घर से स्कूल जा रहा था, दूसरे दिन भी वो घर से स्कूल जा रहा था, बस स्पीड अलग हुई और अलग स्पीड होने की वजह से टाइम ड्यूरेशन उसका अलग हुआ। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला डिस्टेंस तो वही रहेगा। अब मैंने आपको बताया था स्पीड के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आती, स्पीड एस वन इंटू एस टू आएगा न्यूमिनेटर में, एस वन माइनस एस टू आएगा डिनोमिनेटर में। और टाइम में इसमें क्या होगा, टाइम में होगा इसमें टी वन माइनस टी टू। क्यों? क्योंकि पहले वो 10 मिनट लेट हो रहा है और उसके बाद वो 5 मिनट लेट हो रहा है, तो दोनों लेट हैं तो माइनस होगा। 10 माइनस 5 आएगा आपके पास 5 मिनट। अब ये टी वन माइनस टी टू क्यों आएगा, टी वन प्लस टी टू क्यों आएगा, ये चीज़ मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। देखिए, ज़ीरो हमने वो टाइम इवेंट मान लिया जो एग्जैक्ट टाइम है, जो वो ऑन टाइम पहुंच रहा है, ठीक है। ज़ीरो के आगे हमने लिख लिया अर्ली, ज़ीरो के पीछे लिख लिया हमने लेट। अब हमने देखा कि क्वेश्चन में पहले 10 मिनट लेट हो रहा है, फिर 5 मिनट लेट हो रहा है, तो हमें अर्ली वाले पोर्शन की ज़रूरत नहीं है, हमने उसको हटा दिया। पहले केस में वो 10 मिनट लेट हो रहा है, तो हमने क्या किया, ज़ीरो के लेफ्ट साइड लेट वाली लाइन थी तो हमने एक पॉइंट बना दिया 10, कहीं भी रैंडमली हवा में हमने लिख दिया 10 मिनट वो लेट हो रहा है, तो 10 बना दिया हमने ज़ीरो से थोड़ी सी दूरी पे, ठीक है। नेक्स्ट केस में देखिए, लेट तो वो नेक्स्ट केस में भी हो रहा है, पर इस बार हो रहा है वो 5 मिनट लेट, तो 0 और 10 के बीच में कहीं आएगा 5, तो वो बना लिया हमने ऐसे, ठीक है। अब हमें इनका गैप ही देखना होता है, तो देखिए 0 से 5 मिनट के बीच में हमने लिखा 5, 0 से 10 मिनट के बीच में हमने लिखा 10, ऐसे बना लिया, ठीक है। अब हमें इनका गैप देखना है, तो 10 से 5 के बीच में जो स्पेस दिख रही है यही होगा हमारा टाइम। तो ये कितना टाइम होगा, इधर इधर से इधर तक आ रहा 10 मिनट और इस इतना पोर्शन आ रहा है 5 मिनट का, तो ये पोर्शन होगा 5 मिनट का, यही वो 5 मिनट है जो टी वन माइनस टी टू करके आएगा, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतनी चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए, जब सेम टाइम इवेंट होगा, यानी जब दोनों लेट हो रहे होंगे या जब दोनों जल्दी पहुंच रहे होंगे, तो माइनस आएगा टी वन माइनस टी टू, और अगर एक अर्ली में पहुंच रहा होगा एक लेट में पहुंच रहा होगा, पहले यहाँ बाद में फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक अर्ली और एक लेट होना चाहिए तब आएगा टी वन प्लस टी टू। तो हमने वैल्यू पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखने लगी। अब यहाँ पे हमारी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर में, पर टाइम हमारा आ रहा है 5 मिनट में, तो हम मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने आपको सिखाया था अपने पार्ट वन में ही टाइम स्पीड डिस्टेंस के कन्वर्जन कैसे करनी है। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, 1/60, और यहाँ पर हमें 5 मिनट की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगा 5/60। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 12.5 किलोमीटर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले पे, सेम वही फॉर्मूले, डिस्टेंस ए से बी के बीच सेम होना चाहिए। डिस्टेंस तो भाई हर जगह सेम होना चाहिए, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, डिस्टेंस अगर अलग अलग हुआ तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब इस केस में देखिए, जब वो स्पीड एस वन से गया वो लेट हुआ टाइम टी वन से, जब वो स्पीड एस टू से गया तब वो जल्दी पहुंचा टाइम टी टू से। अब इसमें एक लेट का इवेंट है एक अर्ली का इवेंट है, तो मैंने आपको बताया जब अलग अलग इवेंट होंगे तो प्लस होगा, ठीक है। एस वन एस टू न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, एस वन एस टू डिनोमिनेटर में माइनस हो रहा है, ये चीज़ किसी भी केस में चेंज नहीं होगी, ठीक है। चेंज आएगा सिर्फ टाइम में, किस में माइनस होगा किस में प्लस होगा मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखिए,
क्वेश्चन हमारा आ गया वही सेम क्वेश्चन है, मैंने इस बार वैल्यूज बिल्कुल सेम टू सेम है, तो मैंने इस बार बस 5 मिनट लेट के बजाय 5 मिनट अर्ली कर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ठीक है। तो हमने वही करना है, T1 इसमें T1 और T2 के बीच में एडिशन होगी इस बार, तो हमारे आ जाएगा 15 मिनट। अब मैं आपको ये चीज़ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्रामेटिकली। वही चीज़ हमने लिखी, 0 के लेफ्ट साइड लेट, 0 के राइट साइड अर्ली। अब ये दोनों केस, इसमें हमें लेट भी चाहिए अर्ली भी चाहिए, क्योंकि एक केस में वो 10 मिनट लेट हो रहा है, दूसरे केस में वो 10 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। तो केस वन है 10 मिनट लेट होने का, तो हमने बना दिया ऐसे, भाई 10 मिनट जो हो रहा है वो लेट हो रहा है ठीक है। नेक्स्ट केस में वो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो 5 मिनट जो होगा वो 0 के राइट साइड होगा क्योंकि अर्ली पहुंच रहा है, तो 5 मिनट हमने बना दिए 0 के राइट साइड पे ठीक है। अब हमने ये 0 हटा देना है, अब इनका गैप देखना है। 0 से उस तरफ राइट साइड में 5 मिनट आ रहा है, 0 से लेफ्ट साइड में 10 मिनट आ रहा है। जब हम 0 हटा देंगे तो हमारी डायग्राम कुछ ऐसी दिखेगी। अब हमें इसको टोटल करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है 10 मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक है 5 मिनट, तो ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा सम ठीक है। ये हुआ सम और 10+5 आ गया हमारे पास 15। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी सारी टाइम खा जाएंगी। ये चीज़ें मैं बस फॉर्मूले में प्लस क्यों आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए समझा रहा हूँ। ये चीज़ें आपने वहाँ पर बनानी नहीं है, आपने बस फॉर्मूला याद रखना है कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। यार देखो, सिर्फ टाइम ही तो प्लस और माइनस हो रहा है, स्पीड तो बेचारी वैसी की वैसी ही है, टाइम ही प्लस माइनस हो रहा है, तो इतनी सी चीज़ तो आप याद रख ही सकते हो ठीक है। अब वही चीज़ आई, 15 मिनट दी है जबकि स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में, हम कन्वर्जन करेंगे 15/60 आ जाएगा, और इस पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 37.5 किलोमीटर्स। सो ये रहे वो चार केस जो आपको आ सकते हैं, अर्ली, लेट, लेट, अर्ली। मैंने आपको बताया पोजीशन इनकी जो भी हो, पहले लेट हो या पहले अर्ली हो फ़र्क नहीं पड़ता, बस अर्ली और लेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो टाइम में एडिशन होगी, लेट और लेट, अर्ली और अर्ली, इनका कॉम्बिनेशन हुआ तो टाइम में जो होगी सब्ट्रैक्शन होगी, और कुछ याद नहीं रखना, बस सिर्फ टाइम में कहाँ एडिशन हो रही है कहाँ सब्ट्रैक्शन हो रही है ये चीज़ याद रखनी है। अब आ जाते हैं हमारे अपने क्वेश्चन की सीरीज पर वापस। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंदा जो अपनी कार से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था और अपने ऑफिस जो है वो 1 घंटा लेट हो गया पहुंचने में, फिर क्या किया उसने नेक्स्ट डे अज्यूम कर लो या कुछ भी है, उसने क्या किया अपनी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर कर दी ठीक है। इस बार वो 1 आवर जल्दी पहुंच गया, दिख रहा है, एक जगह लेट का इवेंट है एक जगह अर्ली का इवेंट है, तो क्या होगा, देखिए चेंज तो होनी है सिर्फ टाइम में। स्पीड तो S1 × S2 न्यूमिनेटर में रहेगी, S1 − S2 डिनोमिनेटर में रहेगी, चेंज होगा सिर्फ टाइम में, और वो क्या चेंज होगा, वो चेंज होगा प्लस का, क्यों, क्योंकि एक जगह लेट का इवेंट है एक जगह अर्ली का इवेंट है। तो हमने वही चीज़ किया, डिस्टेंस में S1 × S2 लिख लिया ऊपर, और 80 में से 20 माइनस करोगे तो नीचे 20 ही आएगा, तो डिनोमिनेटर में आ गया S1 − S2। जब टाइम हमने डाला, टाइम में मैंने आपको समझाया एडिशन होगा, तो 1+1 आ गया यहाँ पे, क्योंकि 1 घंटे पहले वो लेट हो रहा था, 1 घंटे उसके बाद वो जल्दी पहुँचने लग गया, तो एक लेट का इवेंट है एक अर्ली का इवेंट है, टाइम होगा ऐड। जब इसको ऐड किया तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस जो है 480 किलोमीटर्स का है, पर उन्होंने क्वेश्चन में क्या डिस्टेंस पूछा हुआ है, नहीं। लास्ट लाइन देखिए, फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रेवल टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, हमारे पास डिस्टेंस आ गया 480 किलोमीटर, अब हमें बस स्पीड निकालनी है जिस पे वो जल्दी पहुंच रहा हो। तो आप कोई भी एक स्पीड उठा लो, अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर उठाते हो और उसको 480 को डिवाइड कर देते हो 60 से, तो जो टाइम आएगा वो होगा 1 आवर लेट, यानी कि वो 1 घंटा लेट पहुंच रहा है। उस टाइम से आप 1 घंटा माइनस कर दोगे, आपका टाइम आ जाएगा प्रॉपर टाइम, या फिर आप 80 किलोमीटर पर आवर उठा लो और 480 को उससे डिवाइड कर दो, इस जब 80 किलोमीटर पर आवर उठाओगे तो वो 1 घंटे जल्दी पहुंचेगा, तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, उस जल्दी में आप 1 घंटा ऐड कर देना तो एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। मैंने उठाई इक्वेशन 60 किलोमीटर पर आवर वाली,
60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अगर वो चलता तो वो 8 घंटे में पहुंचता, पर 8 घंटे में जब वो पहुंच रहा है तब वो 1 घंटा लेट हो रहा है। तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? एग्जैक्ट टाइम होगा 7 घंटे। और अगर हमें स्पीड निकालनी है तो स्पीड क्या होगी उसकी? 480 को जब हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी उसकी वो वाली स्पीड जो उसको मेंटेन करनी चाहिए थी एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचने के लिए। तो हमारी स्पीड आ गई 480/7 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है वो 600 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट स्पीड पे ट्रेवल कर रही है, अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दे तो जर्नी में 4 घंटे कम लगेंगे, तो हमें स्पीड बतानी है ट्रेन की क्या होगी। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है इधर हमें ये नहीं बताया ना रेशो दी हुई है कि कुछ जिसके बेसिस पे हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर सकें, ना हमारे पास रेशो है ना हमारे पास एग्जैक्ट स्पीड है। हमें बस बताया हुआ है जो भी उसकी पहली स्पीड होगी उसमें हम 5 किलोमीटर पर आवर की इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भाई इसी फॉर्म में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस ले लिया 600। अब उन्होंने कहा है कि अगर वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज़ करेगा तो उसको 4 घंटे कम लगेंगे। हमने क्या किया, वही चीज़ लगाई, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ही वो चल रहा है, पहली स्पीड हमने मान ली एस, दूसरी स्पीड मान ली हमने एस प्लस 5। मैंने आपको बताया न्यूमिनेटर में स्पीड की मल्टीप्लिकेशन ही होगी और डिनोमिनेटर में स्पीड की सब्ट्रैक्शन ही होगी। तो न्यूमिनेटर हमने लिखा ऐसे, जब s प्लस 5 में से आप s माइनस कर दोगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5, और अब उसको 4 घंटे कम लग रहे हैं। तो जो बेसिकली जो हम t1 प्लस t2 करते थे वो होता क्या था, वो होता था टाइम का गैप। मैंने आपको डायग्रामेटिक कली भी दिखाया, जो भी हम बना रहे थे वो टाइम का गैप ही था, है ना, गैप ही था। तो बेसिकली वो होता है टाइम का डिफरेंस, लिखने में हम एडिशन लिखते हैं पर आ जाके वो चीज़ तो गैप ही थी ना, 10 मिनट प्लस 5 मिनट प्लस के केस में भी हमने जो टाइम था वो टोटल टाइम निकाला, 10 मिनट की जहाँ से स्टार्टिंग रेंज थी और 5 मिनट की जहाँ पे एंड वाली रेंज थी उनको ऐड किया था। आ जाके ये होता है टाइम का गैप ही। जब आपको अर्ली और लेट या फिर अर्ली अर्ली लेट लेट ऐसे करके दिया हो तब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे, जब आपको सीधा ही टाइम का डिफरेंस दिया हो तो आप टाइम्स एज इट इज़ लिख दोगे। तो हमारे इस क्वेश्चन में टाइम आपको सीधा सीधा दिया हो कि उसको 4 घंटे कम लगेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखा s इंटू एस प्लस 5/5 इंटू 4, ये जो 4 है टाइम का डिफरेंस है, जो पहले जो भी उसको टाइम लग रहा था उससे 4 घंटे कम, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको करा रहे हैं विशाल सर। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, अब मैं आपको ये चीज़ सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर जो है वो अलग से लगाना पड़ेगा। मैं बस आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि ये एस स्क्वायर प्लस 5s माइनस 750 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इसके रूट्स आएंगे प्लस 20 और माइनस 30। अब देखिए स्पीड s जो है वो स्पीड एज्यूम की थी, स्पीड माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड जो होगी प्लस 25 किलोमीटर पर आवर होगी, और यही तो हमें ओरिजिनल स्पीड ही तो हमें निकालनी थी, तो हमारा आंसर आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार जो है वो एक सर्टन डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है यूजुअल स्पीड से, पर जब अपनी वो स्पीड रिड्यूस कर देती है 10 किलोमीटर पर आवर से तो जर्नी का जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, वो 40 आवर्स से इंक्रीज हो जाता है। जबकि अगर वो अपनी जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज़ कर देती है तो उसकी जर्नी का जो वो है टाइम ड्यूरेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा 10 घंटे। हमें देखने की डिस्टेंस कितना है, अब वही चीज़ हमें ओरिजिनल स्पीड तो दी नहीं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसमें ओरिजिनल स्पीड दी होती थी तो हम सीधा सीधा वैल्यूज पुट कर देते थे, इसमें हमें ओरिजिनल स्पीड नहीं दी थी, हम ओरिजिनल स्पीड मान लेंगे एस, ठीक है। जब वो बंदा 10 किलोमीटर से स्पीड को इंक्रीज करेगा तो उसको 40 घंटे कम लगेंगे। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, पहले ओरिजिनल स्पीड थी उसने स्पीड 10 से कम की, इनका स्पीड का डिफरेंस जो है डिनोमिनेटर में 10 होगा, और टाइम का डिफरेंस तो उन्होंने खुद ही दिया हुआ है कि टाइम ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गया 40 से, तो हमने यहाँ पे 40 लिख दिया।
केस टू में उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज़ किया 5 किलोमीटर से, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एस है, यहाँ पर एस प्लस फाइव है, इनका डिफरेंस आएगा 5। और इस बार उसको जो है वो टाइम ड्यूरेशन का जो डिफरेंस है, इस बार उसको 10 घंटे कम लग रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10। आपको प्लस माइनस कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस देखना है कि टाइम का डिफरेंस क्या है, ज़्यादा ले रहा है या कम ले रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस तो कॉमन है, तो हम इन इक्वेशन को डिस्टेंस के बेस पे इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करने के बाद हमारी इक्वेशंस कुछ ऐसी दिखेंगी। अब आपको लग रहा होगा कि जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, तो आपको लग रहा होगा अब हर क्वेश्चन में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती जाएगी, तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। पर ऐसे केसेस जहाँ पर हम इनको इक्वेट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं एस से एस तो सीधा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक ही एस बचेगा, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांसेस नहीं हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये जो मैंने स्क्वायर किया है, स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एस से एस को सीधा भी काट देते तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो एट द एंड जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो आपके पास स्पीड आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये आपकी आई है स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। उन्होंने कहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में 25 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू पुट करोगे, आपका डिस्टेंस आ जाएगा 1500 किलोमीटर्स। और इसी के साथ हमारा जो थर्ड पार्ट है, जो कि फॉर्मूला बेस्ड था टोटली, वो ख़त्म होता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का थर्ड पार्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये फॉर्मूलाज देखते देखते ही लर्न हो गए और आपके कंसेप्ट क्लियर है, कहाँ पे प्लस लगना है, कहाँ पे माइनस लगना है और क्यों लगना है, ये भी चीज़ क्लियर है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें पता चल जाएगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। उसके साथ साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक एक कंसेप्ट को हम डीपली एक्सप्लेन करते हैं, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएं।